नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा जो दो कैंडल से मिलकर के बनते हैं और लाइव मार्केट में इनको आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल होता है। आइडेंटिफाई न कर पाने की वजह से कई बार ट्रेडर टैप हो जाते हैं। इनमें से दो कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश हैं, पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न और बुलिश तासू की लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। दो कैंडलस्टिक पैटर्न बियरिश हैं, डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न और बियरिश तासू की लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आइए फ्रेंड्स, स्क्रीन पर समझते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न किस प्रकार बनते हैं। सो फ्रेंड्स, इन एक जैसे दिखाई देने वाले दो कैंडल से मिलकर बनने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न, सेकंड बुलिश तासू की लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न, नंबर थर्ड पे आता है डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न और फोर नंबर पे है बियरिश तासू की लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट में डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम में बनते हैं। इसमें पहला है पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न की पहली कैंडल रेड कलर की होती है और सेकंड कैंडल ग्रीन कलर की होती है, जो पहली कैंडल बन जाने के बाद गैप अप ओपन होती है और पहली कैंडल के मध्य से क्लोज के बीच में क्लोज हो जाती है और पहली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करती है। पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न का जस्ट ऑपोजिट कैंडलस्टिक पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि चार्ट के टॉप में बनता है। सेकंड कैंडल रेड होती है, सेकंड कैंडल गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होने के बाद पहली कैंडल के मध्य से ओपनिंग के बीच में क्लोज हो जाती है और पहली कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करती है। नेक्स्ट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश तासू की लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें पहली कैंडल रेड कलर की होती है और सेकंड कैंडल ग्रीन होती है, जो कि गैप अप ओपन होती है और ये पहली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पियर्सिंग लाइन और बुलिश तासू की लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न को कंपेयर करते हैं तो दोनों में ही पहली कैंडल रेड और सेकंड कैंडल ग्रीन होती हैं और दोनों ही डाउन ट्रेंड के बाद चार्ट के बॉटम में बनते हैं और दोनों ही बुलिश ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसके साथ साथ इन दोनों में ही कुछ डिफरेंसेज हैं। पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न में सेकंड कैंडल गैप डाउन ओपन होती है, वहीं बुलिश तासू की लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न में ये गैप अप ओपन होती है। तो ये एक डिफरेंसेस हुआ। दूसरा जो डिफरेंसेस वो ये है कि पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न में सेकंड कैंडल पहली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करती है, जबकि बुलिश तासू की लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न में सेकंड कैंडल पहली कैंडल के हाई को ब्रेक करती है। तो ये दूसरा डिफरेंस हुआ। इस प्रकार इन दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न में कुछ भिन्नताएं होती हैं। बुलिश तासू की लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न का जस्ट ऑपोजिट होता है बियरिश तासू की लाइन कैंडलस्टिक। ये एक अप ट्रेंड के बाद चार्ट के टॉप में बनती है। इसमें नंबर वन कैंडल ग्रीन और सेकंड रेड होती है, सेकंड कैंडल पहली कैंडल बन जाने के बाद में गैप डाउन ओपन होती है और पहली कैंडल के लो के नीचे क्लोज होती है। सो फ्रेंड, अब डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक और बियरिश तासू की लाइन कैंडलस्टिक दोनों ही बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में, इनमें कुछ समानताएं हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं। तो समानता यह है कि दोनों में ही नंबर वन कैंडल ग्रीन होती है और सेकंड कैंडल रेड होती है। उसके बाद दोनों ही चार्ट में अप ट्रेंड के बाद टॉप में बनते हैं और मंदी का संकेत देते हैं। अब इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, वो ही है कि डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न में रेड कैंडल गैप अप ओपन होती है, जबकि बियरिश तासू की लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न में सेकंड कैंडल गैप डाउन ओपन होती है। तो ये एक डिफरेंस हुआ। सेकंड नंबर का जो डिफरेंस है वो ये है कि डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न में सेकंड कैंडल पहली कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करती है, जबकि बियरिश तासू की लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न में सेकंड कैंडल पहली कैंडल के लो के नीचे क्लोज होती है। इस प्रकार डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न और बियरिश तासू की लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न में डिफरेंसेस होते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने समझा कि एक जैसे बनने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न जो दो कैंडल से मिलकर के बनते हैं और लाइव मार्केट में उनको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से ट्रैप हो जाते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपको कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए सभी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद।